प्रधानमंत्री आवास योजना। भारत सरकार ने 25 जून 2015 को 2022 तक सभी को पक्के आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ की। इस मिशन का उद्देश्य झुग्गी वासियों सहित शहरी गरीबों के परिवारों की आवासीय आवश्यकता को पूरा करना है, जिसमें एक लाभार्थी परिवार को पति पत्नी एवं अविवाहित पुत्र पुत्री के रूप में परिभाषित किया गया। इस योजना के अंतर्गत 4 मुख्य घटक हैं, जो इस प्रकार हैं। प्रथम घटक मलिन बस्ती स्वस्थाने पुनः विकास है। इस घटक के अंतर्गत वो मलिन बस्तियां आती हैं जो शहर के मुख्य स्थानों में स्थित हैं एवं वहां की जमीन की कीमत बहुत अधिक है। इसके अंतर्गत आने के लिए भारत में कहीं भी लाभार्थी या उसके परिवार के सदस्य के नाम पक्का मकान नहीं होना चाहिए और वह पूर्व निर्धारित झुग्गी बस्ती जिसकी सूची नगर पालिका निगम में उपलब्ध है का रहवासी होना चाहिए। इसमें प्रत्येक लाभार्थी के परिवार को 30 वर्ग मीटर कृषि क्षेत्र के आवासों के निर्माण हेतु एवं निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने भारत सरकार द्वारा 1,00,000 रुपए प्रति परिवार के हिसाब से अनुदान दिया जाएगा। द्वितीय घटक ऋण आधारित ब्याज अनुदान है, जिसके अंतर्गत ऐसे लाभार्थी आ सकते हैं जिनके परिवार के किसी सदस्य के नाम पक्का मकान भारत में कहीं ना हो एवं वे संबंधित निकाय क्षेत्र के निवासी हों। इस योजना के अंतर्गत EWS आवास हेतु ऐसे परिवार पात्र होंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय 3,00,000 से कम हो व LIG हेतु परिवार की वार्षिक आय 6,00,000 से कम हो जुड़ सकते हैं। ऐसे लाभार्थी जो बैंकों, आवास वित्त कंपनियों और अन्य ऐसे संस्थानों से गृह ऋण की मांग कर रहे हैं, वे 15 वर्षों की अवधि के लिए ब्याज सब्सिडी हेतु 6.5% पात्र होंगे। इसमें ऋण आधारित सब्सिडी केवल 6,00,000 रुपए तक की ऋण राशि के लिए उपलब्ध होगी। तीसरा घटक भागीदारी में किफायती आवास है, जिसमें निजी क्षेत्र अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, स्थानीय निकाय, हाउसिंग बोर्ड, DA इत्यादि की भागीदारी से आवास प्रदान किया जाता है। भवन निर्माण के लिए 1,50,000 का अनुदान केंद्र सरकार द्वारा एवं 1,50,000 का अनुदान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है तथा अधिकतम 2,00,000 का योगदान हितग्राही को देना होता है। शेष भवन की निर्माण राशि एवं अधोसंरचना की राशि नगर पालिका द्वारा लगाई जाती है। चौथा एवं अंतिम घटक लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए अनुदान है। ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 3,00,000 से कम हो एवं वे शहरी क्षेत्र में प्लॉट या कच्चे मकान के मालिक हों, इस घटक में आ सकते हैं। ऐसे हितग्राहियों को 30 वर्ग मीटर कृषि क्षेत्र का भवन स्वनिर्माण करने का प्रावधान रहेगा। इसके लिए 1,50,000 का अनुदान केंद्र सरकार व 1,00,000 का अनुदान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक हितग्राही को दिया जाता है। कर्मकार मंडल से जुड़े हितग्राहियों को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1,00,000 का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। आइए मिलकर देखें प्रधानमंत्री आवास योजना आपके शहर में कैसे काम करती है। केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से अनुमोदन के बाद PMAY प्रोजेक्ट आपके शहर पहुंचता है। इसके बाद सर्वेक्षण द्वारा नगर पालिका हितग्राहियों का चयन करता है। इसमें सभी स्लम और नॉन स्लम के हितग्राही शामिल हैं। इसके बाद नगर पालिका के कर्मचारी सभी मलिन बस्तियों में
घर घर जाकर सभी हितग्राहियों से फॉर्म जमा कराते हैं। इस तरह सभी मलिन बस्तियों से फॉर्म एकत्रित होकर नगर पालिका के पास पहुंच जाते हैं। नॉन स्लम के हितग्राही व अन्य शहरी गरीब परिवार स्वयं अपना फॉर्म नगर पालिका कार्यालय में जमा कराते हैं। सर्वे और अध्ययन से मिली जानकारी के अनुसार हितग्राहियों को उपयुक्त श्रेणियों में डाला जाता है। प्लान ऑफ एक्शन और डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट का संकलन इस जानकारी के आधार पर किया जाता है, जिसके अनुमोदन के बाद निर्धारित योजना पर आगे काम किया जा सकता है। नगरपालिका अब चारों घटकों में आने वाली प्रक्रिया शुरू करके सभी हितग्राहियों को आवास या अनुदान प्रदान करता है। सरकार ने ली है घर की जिम्मेदारी, खुशियों की अब आई बारी, सरकार ने ली है घर की जिम्मेदारी। अब तो मकान बनेगा हमारा, होगा चारों तरफ उजी।